खेती समस्या का समाधान कैसे करेगा? प्रश्न यही था ना। आप तो बोले गुरुकुल इस देश का सब समस्या का समाधान, खेती का समस्या का समाधान कैसे होगा? इसीलिए गुरुकुल एजुकेशन के साथ, आचार्य कुल के साथ हमारा एक और गुरुकुल चलता है जिसका नाम है कृषि गुरुकुल। सोचो एक लड़का, एक लड़का, एक लड़का, बड़े बड़े लड़के हैं, प्लस टू मैट्रिक पढ़ लिए और बेकार बीमार गद्दार बैठे हैं। एक लड़का को अगर एक एकड़ दिया जाए गुरुकुल, कृषि गुरुकुल के माध्यम से, और वो एक लड़का अपना एक एकड़ जमीन लेके, ठीक है ना, एक बार मेहनत करेगा जिंदगी भर बैठ के खाएगा। एक एकड़ में अपना सघन कृषि अभी निकल गया, 7 फुट में एक आम का पेड़ लगाना, ठीक है, तो इसमें वो आम औला लेंबू लीचू काजू पपीता सहजना और सब कुछ इधर लगा दिया, और इंटरक्रॉपिंग में जो पालेकर जी बोलते हैं ना अंतर कृषि उसके अंदर लगा दिया, मिश्रित कृषि इसके अंदर लगा दिया, और लौकी बैतालू और ये कलरा कोहड़ा जो जो बरबट्टी जो जो लगाना चाहिए लगा दिया उसमें, एक एकड़ में एक साल में कम से कम 1 लाख से 10 लाख हम लोग का टारगेट है एक कृषि गुरुकुल का छात्र कमाए। 10 लाख नहीं कमाया, 5 लाख कमाएगा। और दूसरा क्या, अभी आप कहीं नौकरी करते हो, जिंदगी भर गधा जैसे घोड़ा जैसे खटोगे तो पैसा कमाओगे? हमारा यहाँ क्या, एक बार पेड़ लग गया ना, एक बार 1000 पेड़ लग गया तो 10 लाख तो ऐसे ही कमाई है। तुम कहीं प्राइवेट में नौकरी करोगे 10 लाख मिलेगा साल का? नहीं मिलेगा। और मेहनत कितना है, 3 से 5 साल, तो हमारा कृषि गुरुकुल का कोर्स कितना है, 3 से 5 साल। 3 से 5 साल दे दो, जिंदगी भर कमाओ, और जब तुम्हारा पास नौकरी का टेंशन नहीं है फिर देश का क्रांति में लगो, देश को उद्धार करो, पर्यावरण को बचाओ, गोरक्षा करो। आज तो तुम गोरक्षा करने के लिए जाते हो ना तो कल देखते हो कि मेरे पॉकेट में तो पैसा नहीं है, फिर दूसरे को लूटो ठगो फिर वाउचर बिल लिखो, कृषि का समस्या हो जाएगा समाधान ना? कृषि समस्या कोई बहुत सामान्य समस्या है।